हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडुचम लाइव क्लासेस। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डिजीज मतलब देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट उस पर हिट करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये जो रोग है ये किससे होता है, दैट मीन्स वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, ऐसे आपको पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किससे होता है, दैट मीन्स आपको बताना होता है उसका फैक्टर, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद में आता है उसकी, जैसे बात करें कोई उसका किससे वायरस, दैट मीन्स किससे वायरस से होता है, किससे बैक्टीरिया से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है, ऐसे पूछते हैं। कौन से मच्छर काटने से होता है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, उसके सिम्टम्स पूछ सकते हैं, और आपको उसके बाद में उसके जो उपचार की विधियां होती हैं, लाइक आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, ठीक है, और कौन सा टेस्ट है उसके लिए, ये आपके 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन डिजीज के अंदर। ठीक है, और ऐसे बन सकता है कि इससे कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, उन सिम्टम को कैसे रोकना है, इस हिसाब से आपके 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन इस पोर्शन के अंदर बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एक एग्जाम के अंदर जीएस जिसमें आता है उसमें इसका क्वेश्चन आएगा ह्यूमन डिजीज का। तो आपको पक्का पता है कि ये बहुत ऐसे बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आने फिक्स है। अभी जैसे आरपीएफ का एग्जाम होगा, उसके अंदर एसआई कांस्टेबल, उसके अंदर आपको पता है जीएस आने वाली है, और जैसे एसएससी के एग्जाम में भी आपका पता है, वेंडर आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो एसएससी के एग्जाम होंगे अभी जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको कंप्लीट देखना है, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिजीज की, बात करें हेल्थ की, बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का हेल्थ डे कब होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है या फिर फैक्ट बोल लो इसको, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे है अपना 7th of April, या वैसे क्वेश्चन होगा 7 अप्रैल को वर्ल्ड का हेल्थ डे होता है। ठीक है, देखो जो आपके डिजीज है, डिजीज को आप डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे एक तो होते हैं आपके जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, उसको मैं एक क्लास पहले में डिस्कस कर चुका हूं। जेनेटिक का मतलब जो आपके जीन्स में होते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स से आपके जो ऑफस्प्रिंग होती है उनके जो किड्स होते हैं उनमें आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके कौन कौन से बात करें, ल्यूकेमिया हो गया था आपका, थैलेसीमिया था आपका, हीमोफीलिया था, वेरियस टाइप के डिजीज थे आपका, जो एक तरह से वो सिंड्रोम थे, सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ा दिए, डाउन, पटाउ और क्लाइन, और वो सारे के सारे सिंड्रोम मैंने डिस्कस कर लिए। तो जो आपका जेनेटिक डिजीज है उनको डिस्कस नहीं कर रहा, उन डिजीज की बात करेंगे जो कि एक तरह से फैलते हैं। अब फैलने की बात आती है, तो फैलने में भी आपके 2 या 3 टाइप हो सकते हैं। मान लो कि वो फैलने में जैसे बात करें एयर से, वाटर से, बाय एयर बाय वाटर ऐसे फैल सकते हैं, या फिर किसी के कॉन्टेक्ट में आने से फैल सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, एक बात होती है जो आपके जैसे किसी विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन मैंने आपको सारा कुछ कवर कर लिया है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से रोग, वो सारे एक पोर्शन में डिस्कस हो गए हैं। तो अब अपना जो मेन टॉपिक बचता है वो आपके जो आपके एयर से या फिर वाटर से या फिर कॉन्टेक्ट से, ठीक है, इनसे जो अपने रोग फैलते हैं इनके बारे में डिस्कस करना है, ये अपना मेन टॉपिक है। तो आपको पता है कि इनको अपन डिवाइड करेंगे तो पहले ऐसा आएगा कि वायरस से होने वाले रोग, फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कम से कम है 10-10 डिजीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं तो वो स्टार्ट करता हूं, इसके बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका एक वर्ड आता है पैथोलॉजी, ठीक है, वर्ड क्या आता है पैथोलॉजी, किसकी स्टडी होती है। देखो लॉजी वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ए स्टडी ऑफ विच, किसकी है, ये होती है आपके सिम्टम्स को स्टडी करना। किसी भी रोग होते हैं, रोग के सिम्टम्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, हिंदी में बोले तो लक्षण, उनको स्टडी करना एक तरह से क्या है, पैथोलॉजी है। ठीक है, किसी भी रोग के लक्षणों को, सिम्टम्स को स्टडी करना इज पैथोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक वर्ड आता है मेरे पास AETIOLOGY, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी होता है कॉजेज ऑफ डिजीज, आपको समझ में आ गया, उसके होने के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिजीज, ये था कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे डिजीज के, दैट इज पैथोलॉजी। ठीक है, और एटियोलॉजी देखो इस यहां पे ओ है, और कभी बार इस ए को भी नहीं लिखते, लेकिन इसको ए को लिखना है, AETIOLOGY, एटियोलॉजी है कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी ऐसी स्टडी जिसमें हम डिजीज के कॉज यानी डिजीज हुआ कैसे उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और वर्ड आता है, दैट इज एपिडेमियोलॉजी, थर्ड वर्ड इज एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर किसकी स्टडी होगी आपको पता है, इसके अंदर कौन सा पोर्शन बच गया, इसके अंदर पोर्शन बच गया किसका, कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट मींस कौन सा रोग है, किसके द्वारा फैल रहा है, ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है तो उसका मेथड क्या है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज स्टडीड अंडर द वर्ड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन,
मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो संक्रमण से फैल रहा है, बाय एयर फैल रहा है, बाय वाटर है, जो भी है उसके अंदर किसके अंदर आएगा, एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तीन वर्ड हमारे पास, पैथोलॉजी, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन, देखो अब सबसे पहले आता है डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा वायरल डिजीज के बारे में, ठीक है। अब वायरल का मतलब आपको पता है, इसको बोलेंगे अपन वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करना अपने को, दैट मींस कि सबसे पहले ऐसे रोग पड़ने वाले हैं जो वायरस के कारण होते हैं, और वायरस का जन्म मीनिंग क्या होता है पता है, वायरस क्या होता है, जैसे आपने यदि कंप्यूटर आईटी में पढ़ते हो तो वायरस के अंदर, वायरस का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपके सिस्टम को हैंग करता है, दैट मींस इट इज क्वाइट ए पॉइजन, ठीक है, एक तरह से आपके लिए जहर की तरह, पॉइजन की तरह काम करता है। तो एक्चुअल में वायरस और वायरल का मीनिंग क्या होता है, पॉइजन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा वायरल डिजीज, वायरस जनित रोग, यानी किसके थ्रू फैलेंगे, ये वायरस के थ्रू फैलेंगे, ठीक है। तो वायरस के एक तरह से वायरस के क्वेश्चन क्या आता है, वायरस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। जो आपके इसका क्वेश्चन आता है कि वायरस एक्चुअल में क्या है, तो आप बोलेंगे सजीव और निर्जीव, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव, और इंग्लिश के अंदर बोलेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव व निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब क्या इसका भी क्या, वायरस जो है आपका वो क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, दैट मींस लिंक है, किसके बीच में, लिविंग थिंग्स के बीच में एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। इसका मतलब क्या, तो वायरस जो होता है जैसे वो एनवायरमेंट में है तो एज ए नॉन लिविंग बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, एज ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन जैसे ही वो आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है, बॉडी के अंदर आ गया, उसके बाद में वो बिहेव करेगा सजीव की तरह, यानी एक तरह से वो ऐसे बोल दो कि आपकी बॉडी के अंदर आने के बाद में, आपकी जैसे बॉडी कॉन्टेक्ट में आया या अंदर चला गया शरीर के अंदर, तो बाद में बिहेव करेगा सजीव की तरह, यानी लिविंग थिंग्स की तरह, लेकिन शरीर से बाहर है एनवायरमेंट में तो इसकी तरह बिहेव करता है, दैट मींस उसके दोनों बिहेवियर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, एक लिंक है, दोनों को जोड़ता है, दैट मींस लिंक है, ठीक है। बात करते हैं वायरस जनित रोग की, तो सबसे जो आपका बोल सकते हैं कि जो इसमें सबसे पहला आता है वो है एड्स, ठीक है। अभी 1 दिसंबर को आपको पता है क्या था, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले एड्स की, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले इसी को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी अक्वायर्ड इम्यूनो डी से बनता है डेफिशियंसी, यानी कमी, और ऐसे सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब एक तरह से रोग, करेक्ट। अक्वायर्ड यानी अर्जित किया हुआ, अक्वायर का मतलब अर्जित किया हुआ, दैट मींस अक्वायर का मतलब ऐसे बोल दो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको अक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं ना, वैसे अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। आपकी जो इम्यूनिटी होती है, आपकी जो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, लोगों से रोग, आपके जो डिजीज होते हैं उनसे लड़ने की जो तरह से बोल सकते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी होती है उसके अंदर डेफिशिएंसी होती रहती है कंटिन्यूअसली। देखो एड्स जो होता है वो आपको अचानक से सिम्टम्स नहीं दिखाता, पहली बात तो ये, एड्स होता है वो क्वाइट लॉन्ग स्पेन, लाइक 10 ईयर्स, 10 साल में आपको पता चलता है कि आपके अंदर इसकी वीकनेस है, दैट मीन्स डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। तो काफी आपका लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसमें डेफिशिएंसी होती रहती है, कमी होती रहती है, इस तरह का सिंड्रोम है। पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म। इसका जो वायरस है उसको बोलते हैं HIV, ठीक है, सेम टू सेम इसी से वर्ड लिया हुआ है, तो एच कमन ह्यूमनो ह्यूमन, आई का मतलब वही है, और ये वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो, और इसके अंदर भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी एंड वायरस, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगा, ये कमी, और वायरस यानी वायरस जनित रोग, ठीक है। क्या है आपका, किस वायरस के थ्रू फैलता है, HIV के थ्रू फैलता है, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी किसके अंदर, इम्यूनो के अंदर, आपकी इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। एक बात और, आरएनए से एक्चुअल में क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, देखो डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, एक्चुअल में होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अनुलेखन। मैंने आपको पढ़ाया डीएनए आरएनए की क्लास में, इस वीडियो का बात, आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुलेखन। अनुलेखन है तो वो क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। लेकिन जो ये वायरस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये रिवर्स प्रोसेस होती है, दैट मींस आरएनए से डीएनए बनता है। अब जब रिवर्स प्रोसेस हो रही है तो दैट मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, करेक्ट भाई, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए बनता है तो मतलब आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया,
रिवर्स आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इस रिवर्स का तो आर ई ले लो और टी आर ए का आप टी आर ए, तो इसको मैं टी आर ओ कर देता हूं। एक्चुअल में एच आई वायरस का दूसरा नाम है रेट्रो वायरस। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर आरएनए से डीएनए बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का आर ई का ये आर ई, टी आर ए का टी आर ओ कर दो तो इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है। एच आई वी का दूसरा नाम रेट्रो वायरस, करेक्ट। इसके लिए जो ड्रग है, देखो वैसे तो इसका कंप्लीट ड्रग तो कोई बना नहीं है, लेकिन इसके लिए जो प्रिवेंशन का ड्रग है वो है क्या क्या, एंटी, इसके बाद में है एंटी के आगे रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी वो थेरेपी जो इसके अंदर यूज की जाती है वो कौन सी है, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए आर टी, एंटी एंट्री आपकी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो ए आर टी, ठीक है, या वो पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके टेस्ट के बारे में, दैट मीन्स कि आपको पता है इसके बेसिक टेस्ट होंगे, आपको टेस्ट से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके अंदर एड्स जो आपका रोग है या नहीं है, ठीक है। इसके आपके तीन टेस्ट है, पहला इसके अंदर है, पहला जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए है, दैट मीन्स स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे उसको, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिसा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिसा जो टेस्ट है वो कौन से रोग को पहचानने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा एड्स, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर सबसे पहला है, इसके अंदर सबसे पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम क्या है, तो स्क्रीनिंग क्या होती है, पहचानना एक्चुअल में, ठीक है, पहचानना बोलते हैं स्क्रीनिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है ना, इसका नाम है ए ई एल आई एस ए, ठीक है, ई एल आई एस ए एलिशा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एल से फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम, एल से बनेगा लिंक, ठीक है, ई से बनेगा आपका इम्यूनो, और एस से बनेगा सोर्बेंट, और ए से बनेगा एसे, ये आपको याद करना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म है, एलिसा की। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, है ना। एक्चुअल में आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहला टेस्ट कौन सा होगा, यदि आप एड्स से लगता आपको यदि एड्स है तो सबसे पहला टेस्ट होगा आपका एलिसा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट सबसे पहला टेस्ट, दैट मींस स्क्रीनिंग टेस्ट, करेक्ट। उसके बाद में होता है, ये तो आपका प्राथमिक टेस्ट था, उसके बाद में आता है टेस्ट नंबर टू, वो क्या होगा, वो होगा कंफर्मेटिव, यानी निश्चयात्मक, है ना। तो इसके बाद में जो नंबर टू का जो आपका टेस्ट होने वाला है वो आपका एक तरह से निश्चयात्मक टेस्ट है, ठीक है। निश्चयात्मक मतलब कि वहां पर कंफर्म की वहां प्राथमिक टेस्ट था, यदि वो आपका पॉजिटिव होता है तो आप पे ये टेस्ट किया जाएगा, कौन सा, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका डब्ल्यू बी टी, सबकी फुल फॉर्म है, इसलिए आपका जो आपका रोग है इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे टेस्ट भी जो है ये आपके टेस्ट सारे के सारे इनकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम के अंदर। तो इसका जो निश्चयात्मक परीक्षण होता है वो कौन सा है, डब्ल्यू बी टी, फुल फॉर्म इसकी वेस्टर्न, बी से बनेगा ब्लॉट, टी से बनेगा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यह आपका निश्चयात्मक परीक्षण किसके लिए, एड्स रोग के लिए। पहला परीक्षण कौन सा था, पहला टेस्ट कौन सा था, स्क्रीनिंग टेस्ट प्रारंभिक, वो था एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। सेकंड वन इज निश्चयात्मक परीक्षण, यानी डिटरमिनेशन वाला कि हाँ आप में एड्स है या नहीं है, वो आपका डब्ल्यू बी टी, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट, ठीक है। बात करते हैं अब जो मॉडर्न के रूप में, मॉडर्न जो आजकल कौन सा टेस्ट चल रहा है, ये आपके सारे सारे कन्वेंशनल बोल सकते हैं, यानी पहले के, है ना। आपका जो फिलहाल जो मॉडर्न है कौन सा टेस्ट चल रहा है, दैट इज पीसीआर, ठीक है, कौन सा टेस्ट है, पीसीआर। तो वो सारे टेस्ट की आपकी क्या है, आपकी फुल फॉर्म है, एलिसा की, डब्ल्यूबीटी की, अब पीसीआर के भी है। पीसीआर की क्या है, इसकी है पॉलीमरेज, पी से बनेगा पॉलीमरेज, सी से बनेगा चैन, सी एच ए आई एन चैन, एंड आर से बनेगा रिएक्शन, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन करवाई जाती है और वो आपका कंफर्म बता देती है कि ये है या नहीं है। तो पीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता रखनी है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये आपके तीन टेस्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किसके लिए, एड्स रोग के लिए, एलिशा, डब्ल्यूबीटी एंड पीसीआर, ठीक है। देखो सर सिम्टम्स देखते हैं एड्स के, सिम्टम्स में क्या आएगा, सिम्टम्स में देखो इसमें कुछ ज्यादा मतलब कि अलग सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, अलग का मतलब बिल्कुल ऐसे कि हाँ ये तो एड्स के सिम्टम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो फीवर होता है,
और फीवर लॉन्ग टाइम तक होता है। और आपकी जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी वेट लॉस की होती है। किसकी? वेट लॉस की। अराउंड 10% बॉडी वेट आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं अचानक से हो गया, महीने भर के अंदर हो गया, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है, वेट लॉस हो गया। और इसके अंदर मान लो आपके जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी प्रतिरक्षा है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। दैट मीन्स आपके जो ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी रोग लगेगा तो आप में चांसेस बढ़ जाते हैं उसके होने के, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा कुछ है ही नहीं, इम्यूनिटी गायब हो जाती है। तो एक तरह से आपकी जो इम्यूनिटी उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, और यही तो इस रोग का नाम है एक्चुअल में, है ना, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, है ना, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दैट मींस इम्यूनिटी की कमी, ये आपके क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। बात करते हैं इसके जो लास्ट का पोर्शन है, जो इसके अंदर लास्ट पोर्शन आएगा वो इसके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, ये कैसे फैलता कैसे है। तो बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। हम लोग पढ़ रहे थे वायरस डिजीज के अंदर, वायरल डिजीज के अंदर सबसे पहला था एड्स, उसके अंदर लास्ट पोर्शन है वो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है। देखो इसमें जो आपकी जितनी भी इंफेक्टेड चीजें होंगी, लाइक इंफेक्टेड आपका एक ब्लड है, मान लो इन्फेक्टेड ब्लड का मतलब कि ऐसे आदमी का ब्लड जिसके अंदर एड्स रोग था, और यदि उसका ब्लड किसी और को दिया जाता है तो श्योर है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो जो आपका दूसरा पर्सन जिसमें ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो भी आपका एड्स से ग्रसित हो जाएगा। दैट मीन्स इसका फर्स्ट जो एक तरह से मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड। जब ब्लड की बात आती है तो आपको सिरिंज भी यूज करना है। जिस सिरिंज का यूज किया जाता है उस सिरिंज को या तो आप दूसरी सिरिंज यूज करो, यदि वही सिरिंज आपने यूज करी है तो चाहे ब्लड चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ आपके वो रोग हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड और सीरिंज, ठीक है। बात करें ह्यूमन स्पर्म की, ठीक है, यदि मैन के अंदर बात करें, यदि ये रोग है तो उसके स्पर्म या फिर सीमन, है ना, दोनों वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो सीमन का मतलब होता है एक्चुअल में लिक्विड, तो इसके थ्रू भी ये रोग फैल सकता है, ठीक है। ह्यूमन सलाइवा यानी कि लार के द्वारा, और कफ, कफ जो उसका एक तरह से बोल सकते हैं वेस्टेज होता है जो बाहर निकलता है शरीर से, उससे भी आपका रोग फैल सकता है। तो आपके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गए, आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्टेड ब्लड और सीरिंज, ह्यूमन स्पर्म और सीमन, और सलाइवा और कफ, ठीक है। इन्फेक्टेड सीरिंज या फिर नीडल्स, कोई भी नीडल, किसी भी टाइप की नीडल है, वो ऐसे पर्सन के लिए यूज कर चुके हैं आप कि जिसके अंदर एड्स था, और उसी नीडल को दूसरे पर्सन के लिए यूज करते हैं तो पूरी चांसेस हैं कि दूसरे पर्सन में भी एड्स रोग हो सकता है, ठीक है। और हाँ, यदि प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर एड्स है तो चांसेस ये हैं कि उसके बेबी में भी वो रोग जा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो एड्स रोग है तो वैसे वायरल डिजीज, लेकिन आपका एक संतान से जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनसे आपकी दूसरी आपका जो ऑफस्प्रिंग होती है, संतानें पैदा होती है, उनमें जा सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट बात किसकी थी, एड्स के बारे में। इसके आपकी फुल फॉर्म वायरस और इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो तीन टेस्ट थे, तीनों की आपकी फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आपके सिम्टम्स को ज्यादा नहीं, सिम्टम्स बहुत सिंपल होते हैं, सिम्टम्स कोई नहीं पूछेगा इसके, लेकिन टेस्ट इसके इंपॉर्टेंट है, WBT हो, PCR हो या फिर ELISA हो, ठीक है। ये बात किसी होगी एड्स की। अब बात स्टार्ट करते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को देखो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एक दो बार जब मैंने लीवर पढ़ाया, क्योंकि हिपेटाइटिस किसको टारगेट करता है, लीवर को, ठीक है। बात करते हैं दूसरा जो रोग है, वायरस जनित रोग की बात चल रही है, दैट मीन्स यहां पे बात कर रहा हूं हिपेटाइटिस की, ठीक है। हिपेटाइटिस जो आपका रोग है, जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था ऑर्गन्स में तो मैंने एक टर्म बताई थी, एंड क्या थी वो टर्म, हिपेट, और हिपेट जहां पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है, लीवर। हिपेट जहां पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है, लीवर। और लीवर के अंदर सूजन होना, लीवर के अंदर सूजन होना, और सूजन के लिए वर्ड क्या होता है, ITIS, यही होता है, लीवर के अंदर सूजन होना, तो सूजन के लिए क्या होता है, ITIS। लीवर के लिए वर्ड कौन सा होता है, हिपेट। तो मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये वर्ड बनता है अपना हिपेटाइटिस। दैट मीन्स हिपेटाइटिस रोग का जो सिम्टम क्या है, आपका लीवर जो है वो एक तरह से उसके अंदर सूजन आ जाती है, वो काम करना बंद कर देता है। तो हिपेटाइटिस वर्ड कैसे बनाए, आपको समझ में आ गया, हिपेट प्लस ITIS, इसका मतलब होता क्या, इसका मतलब होता है सूजन, ठीक है। ये बात किसकी होगी, हिपेटाइटिस की। देखो हिपेटाइटिस पहली बात, दूसरी बात क्या है, कौन से एक तरह से वायरस से फैलता है, ठीक है। तो वायरस भी इसके नाम से ही रिलेटेड है, इसका जो वायरस है, जिस वायरस से आपका हिपेटाइटिस फैलता है, ठीक है, उसका नाम है हिपेडीना वायरस।
तो कहीं ना कहीं हिपेटाइटिस ये वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, हिपेडिना, ठीक है। तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, हिपेटाइटिस और हिपेडिना, हिपेटाइटिस और हिपेडिना, आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लें, याद हो जाएगा। हिपेटाइटिस रोग, हिपेट प्लस आईटीआईएस यानी सूजन, ठीक है। कौन सा वायरस है, हिपेडिना वायरस है। इसके बाद में बात करें, देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पीलिया, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि शरीर में जो एक तरह से येलो कलर है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी यूरिन में भी आपको लगता है कि थोड़ा सा येलोइश कलर हो जाता है, तो आपको डॉक्टर बताता भी है कि आपको आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स में ही आता है। बात करते हैं इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप, एक तो होता है, देखो वैसे तो कई टाइप हैं, आपके हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, लेकिन वैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में कैसे, एक तो जो आपके वाटर के थ्रू फैले, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जो वाटर के थ्रू फैले उसके, और एक होता है आपका ब्लड के थ्रू, ठीक है। जो आपका एक तरह से वाटर के थ्रू फैले, एक तरह से ब्लड के थ्रू फैले, तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो बी सी डी जो आपके हिपेटाइटिस बी सी और डी, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं ब्लड कंटेमिनेटेड। ब्लड क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है अपने पास कंटेमिनेट, उसको अपन बोलते हैं, कंटेमिनेट का मतलब होता है संक्रमित या फिर थोड़ा सा खराब, जो प्योर नहीं हो, ठीक है। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, जो आपका प्योर नहीं हो यानी खराब, तो संक्रमित बोल सकते हैं उसको, इन्फेक्टेड बोल सकते हैं। तो इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू कौन सा आपका हेपेटाइटिस फैलता है, बी सी ओ डी, यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी, ये तीनों किससे होते हैं, ये होते हैं आपके किससे, इन्फेक्टेड ब्लड से। अब बात आते हैं कि वाटर से या फिर आपका फूड, यदि ये आपका कंटेमिनेटेड हो या आपका खराब आपने खा लिया तो क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके अंदर आपके जो हेपेटाइटिस ए और ई, यानी दो तो किसकी वजह से हो गए, फूड और वाटर की वजह से, और तीन किसकी वजह से हो गए, आपके ब्लड की वजह से, ठीक है। तो वाटर की तरफ से आपका ए और ई आपको ध्यान रखना है, और ब्लड के कारण क्या हो जाता है, बी सी और डी। तो इसके मतलब मैं पांच टाइप्स को डिवाइड कर दिया, पांच में तीन टाइप इसके अंदर है ब्लड के अंदर, और दो किसके अंदर है, आपके वाटर और फूड के अंदर। तो यदि आपने खाना दूषित खा लिया या फिर पानी दूषित पी लिया, तो आपका कौन सा हो जाता है, ए और ई, ठीक है। और यदि संक्रमित रुधिर के कारण ऐसा हो रहा है तो बी सी डी होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इनके टाइप को आपको कोई डिस्क्राइब नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है ब्लड के कारण कौन सा, वाटर के कारण कौन सा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जो अपना है, इसके अंदर जो अपना थर्ड डिजीज है, देखो जो लीवर की बात करी थी मैंने, तो आपको बताया था कि लीवर में जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में लीवर, उसकी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं इसको, लीवर सिरोसिस, यानी लीवर का सड़ना, ठीक है। लीवर में जो सूजन आती है उसके बाद में लीवर का सड़ना, उसको क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। और लीवर क्या करता है, आपको पता है कि अपना जो फूड होता है वो डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। यदि इसने ढंग से काम करना, यदि ढंग से काम करना नहीं बंद कर दिया, दैट मीन्स आपका खाना पचना बंद हो जाएगा, और जो जितने भी आपके पेट से संबंधित बीमारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो लीवर एक्चुअल में क्या है, लीवर खाने को पचाता है, डाइजेशन आपका प्योर करता है, ठीक है। ये आपको याद होना, लीवर सिरोसिस क्या है, एक तरह से लीवर का सड़ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर जो रोग है वो आपका कौन सा है, मीजल्स। देखो मैं बता रहा हूं आपको वायरस जनित रोग, सारे सारे वायरस जनित रोग बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे सारे वायरस जनित रोग है, दैट मींस किसी न किसी वायरस के थ्रू फैलेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया वाले रोग में आगे पढ़ाऊंगा, उससे आगे प्रोटोजोआ के डिजीज आएंगे, यहां पे वायरस के डिजीज चलते हैं। मिजल्स का मतलब, देखो मिजल्स में आपको बताया कि स्किन के ऊपर रेड रेड रेसेस हो जाते हैं, मतलब लाल लाल चकते होना, एक तरह से मिजल्स है, ठीक है। मिजल्स क्या है, स्किन के ऊपर एक तरह से बोल सकते हैं कि लाल लाल चकते होना, ठीक है, स्किन में अंदर थोड़ा इचिंग होना यानी खुजली होना वगैरह, ये सारे किसके अंदर आएगा, मिजल्स के अंदर आएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके वायरस की, है ना। इसका जो वायरस है जिसके कारण आपका ये रोग फैलता है उसको बोलते हैं अपन मोरबिली वायरस, है ना। क्या बोलते हैं, मोरबिली वायरस बोलते हैं इसको। तो इसका जो वायरस है इसका क्या नाम है, मोरबिली वायरस। किसके लिए, मीजल्स के लिए, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो क्या है इसका, फोर्थ डे फीवर। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, देखो अमूमन ऐसा होता है कि जब भी रोग होता है तो आपके जिस दिन रोग हुआ उसके चौथे या पांचवें दिन क्या होता है, एक तरह एक्चुअल में आपकी जो फीवर आती है वो चौथे और पांचवें दिन आती है, तो उसके लिए अलग से नाम दे दिया, क्या, फोर्थ डे फीवर। यानी ऐसा रोग जिसके अंदर चौथे दिन आपके बुखार ज्यादा चढ़ती है, ठीक है, बुखार ज्यादा होती है, फीवर ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं मीजल्स। तो इसके लिए अलग से नाम है, फोर्थ डे फीवर, ठीक है।
स्किन के ऊपर होता है आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि स्किन के ऊपर होगा तो टच करने से फैल सकता है, दैट मीन्स ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिटेड बाय टच, ठीक है, यानी एक तरह से छूने से जो रोग फैल सकता है वो कौन सा है, मीजल्स है। भाई स्किन के ऊपर होगा ऑब्वियस है, स्किन के ऊपर आपके पास लाल दाल सकते हो गए तो इसका जो वायरस है वो स्किन के ऊपर रहेगा, और जैसे आपने किसी दूसरे पर्सन को टच किया तो चांसेस है कि वो रोग आपसे और दूसरे पर्सन में फैल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वैक्सीनेशन की, ठीक है, यानी जो टीकाकरण है कौन सा टीका लगाएंगे ये रोग होने पर, यानी कहने का मतलब इसकी दवाई बोल दो एक ही बात है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं MMR, यानी इसका जो वैक्सीनेशन है टीका वो कौन सा है, MMR। अब इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको याद रखनी है, पहले एम से बन रहा है मीजल्स, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है मीजल्स, ठीक है, दूसरे एम से बनेगा मम्प्स, MUMPS, ठीक है, मीजल्स मम्प्स, एंड आर से बनेगा रूबेला, ठीक है, RUBELA, रूबेला, दैट मीन्स इसकी जो आपको वैक्सीनेशन होगा टीका हुआ कौन सा होगा, MMR का टीका या फिर मीजल मम्प्स रूबेला, किसके लिए, मीजल्स के लिए। और इसके अंदर जो आपके सिम्टम्स बोल दो कि रेड रेसेस ऑन स्किन, स्किन यानी त्वचा के ऊपर लाल चकते होना, रेसेस मतलब चकते, यहाँ पे RASES रेसेस यानी चकते होना, किसका सिम्टम हो जाएगा, मीजल्स का। वायरस कौन सा है, मोरबिली वायरस, ठीक है, फोर्थ डे ऑफ फीवर बोलते हैं इसको, इसको ट्रांसमिटेड बाई टच है ना, आपका छूने से फैल सकता है। और उसके बाद में वैक्सीनेशन यानी टीका है ना, देखो हिंदी में लिख देता हूं मैं साथ में, टीका कौन सा होगा इसके लिए, MMR का टीका, मिजल मम्स रूबेला, ठीक है। अब उसके बाद में जो अपना फोर्थ इसके अंदर है, जो फोर्थ अपना जो वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला, वो है पोलियो, ठीक है। और पोलियो के सिम्टम्स आपको पता है, जैसे बहुत से एड आते हैं टीवी के अंदर, अब तो नहीं आते क्योंकि अभी आपका लगभग पोलियो ओवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन पहले इसके बहुत एड आते थे, पोलियो मतलब एक तरह से पोलियो मतलब था पैरालाइज है ना, पोलियो कहीं ना कहीं देखा जाता था कि इसके जैसे लोग पैरालाइज हो जाते हैं, ये जन्म से भी हो सकता है और बाद में हो सकता है, ठीक है। तो देखो पोलियो की जैसे पैरालाइज हो जाता है ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जो पर्सन पैरालाइज है उसका मतलब ये नहीं वो पोलियो से ही हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, समझा क्या बात बोल रहा हूं मैं, यानी ये जो आपका रिलेशन है वो यहां से यहां तक सही है, वापस सही नहीं, क्योंकि पोलियो की वजह से पैरालाइज हो सकते हैं, लेकिन जो पैरालाइज पर्सन है उसको पोलियो ही हुआ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, पैरालाइज किसी वजह से हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो वायरस है नंबर फोर, इसका जो वायरस है पोलियो का वायरस है आपका एंटेरो वायरस, कौन सा वायरस है, एंटेरो वायरस, यानी ये वायरस है इसकी वजह से क्या होगा, पोलियो फैलता है, ठीक है। बात करते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन की, यानी कौन सा ऑर्गन इससे प्रभावित होगा। देखो आपका जो पोलियो है ये एक्चुअल में ऐसे कोई फिक्स नहीं है कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट करेगा, लेकिन ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, दैट मीन्स आपके सोचने का तरीका, ठीक है, आपका शरीर जकड़ना, और आपके जो जो पैरालाइज का मतलब ही क्या होता है, पैरालाइज का मतलब यही तो होता है कि आपके किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया, पूरे अंग ने, दैट मीन्स एक्चुअल में इफेक्ट किस पे करता है, इसके अंदर जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है, आपका नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, आपका ब्रेन आता है, ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, और आपकी नेफ्रॉन्स जो होती हैं, आपकी तंत्रिकाएं होती हैं वो आती हैं। अब जो आपका ब्रेन है वो काम करना बंद कर दे मान लो, तो फिर पूरी बॉडी कोई काम की नहीं है, तो एक्चुअल में इन्फेक्ट क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को, मतलब आपकी जो जितनी भी एक तरह से फंक्शन है आपके काम करने का तरीका जो है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इसके अंदर बुखार होगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, इसके अंदर क्या है, आपके पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका माइंड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, ब्रेन जो है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, मतलब जो चीजें आपकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं उनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, किससे, आपके पोलियो से, ठीक है। वायरस कौन सा है इसका, एंटेरो वायरस। अब नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव, ठीक है, मसल्स इनएक्टिव मतलब मान लो कि पोलियो हो गया आपके लेग्स में है ना, तो आपके लेग्स जो आपके टांगे की जो मसल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे, आपको लगेगा नहीं आपके टांगे हैं भी, और दैट इज कॉल्ड पैरालाइजेस है ना। पैरालाइज का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गन ने पूरे के पूरे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब वहां पे आपका जो ब्लड सप्लाई भी एक तरह से बंद हो जाती है, और वहां की मसल्स हैं क्या हो जाती है, एक तरह से इनएक्टिव, ठीक है। ये बात किसकी होगी, अपनी पोलियो की। अब
मसल में इनएक्टिव जो होगा, मसल इनएक्टिव होगी तो इससे क्या होगा फिर, आपका पैरालाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब मसल धीरे धीरे इनएक्टिव होना, अब वो ऑर्गेनिक काम करना बंद कर देगा, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, पैरालाइज बोलते हैं। तो पैरालाइज किससे हो सकते हैं, पोलियो की वजह से पैरालाइज हो जाते हैं, और इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके लिए जो वैक्सीनेशन है, यानी जो टीका इसके लिए बना है वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ओपीवी, इसके लिए टीका बना हुआ कौन सा है, ओपीवी। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, देखो जितने भी टीके हैं ज्यादातर फुल फॉर्म है ना, वो आपको पता हो, ये होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। कहने का मतलब जैसे पहले आता था ना, ऐड आता है, अभी भी आता है कि दो बोन जिंदगी की आता है, दैट मींस आपको कहीं भी पोलियो की दवा पिलाई जाती है, तो ओरल का मतलब ओरल में से होता है माउथ, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं जो इसका वैक्सीन होता है वो इसका इंजेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं ओरल आपको पिलाया जाता है, दैट मींस ओपीवी इसकी क्या है, आपकी वैक्सीनेशन टीका है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया, फिर खोज किसने करी, जो भी है इन्वेंशन किसने किया, तो जो इसका टीका है वो किसने बनाया, दो वैज्ञानिक हैं, साल्क एंड सेबिन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कौन से वैज्ञानिकों ने इनका जो टीका विकसित किया था पोलियो का, तो किसका नाम आता है, साल्क एंड सेबिन का। तो इसका आपको ध्यान रखना है ना, ये आपका साल्क एंड सेबिन, कौन से लोगों की बात चल रही है, पोलियो की। इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है, नर्वस सिस्टम, आपकी मसल्स क्या हो जाती है, इनएक्टिव, ठीक है, दैट इज पैरालाइज्ड। वैक्सीनेशन कौन सा है, ओरल पोलियो वैक्सीन। दो वैज्ञानिकों के नाम कौन कौन से हैं, साल्क एंड सेबी, ठीक है। ये आपके चार रोग हो चुके हैं पोलियो। नंबर पांच से मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसमें अंदर चार या पांच रोग और भी हैं जो वायरस से होते हैं, जैसे बात करें अपन किसकी, जैसे आपके जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू से आपका जो डेंगू रोग फैलता है, उससे आपकी फीवर होती है, और भी कई रोग आपके जो है, बात कर सकते हैं रेबीज की, है ना, रेबीज जो होता है, ये सारे सारे आपके वायरस जनित रोग हैं। ये एक और बच्चे हैं तो मैं इसके लिए अलग से क्लास बना लूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, ह्यूमन डिजीज के बारे में, पहले सिंपल सी बातें पढ़ाई, फिर अपने स्टार्ट किया क्या, वायरस जनित रोग, यानी वायरस से होने वाले रोग अपने डिस्कस किए हैं, स्टार्ट किए हैं, चार हो चुके हैं, चार या पांच इसमें रिमेनिंग है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली आपको पूरा सेशन समझ में आएगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी।